मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर अभद्र टिप्पणी का सिलसिला मध्य प्रदेश में बदस्तूर जारी है। साथ ही इन टिप्पणी करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई भी जारी है। कमलनाथ जी को लेकर क्या शिकायत? शिकायत यही है कि एक लड़के ने जो कुछ आपत्तिजनक पोस्ट कर दी थी, तो उसको लेकर शिकायत की गई है और पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई से उस लड़के को उठा लिया गया है और उचित कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम अभी मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा। इस दफा खबर सागर से है, जहां मकरोनिया थाना स्थित सचिन तनेजा नाम के शख्स ने मध्य प्रदेश के सीएम के खिलाफ अपने फेसबुक अकाउंट से भद्दी ही नहीं बल्कि गालियों की बौछार करने वाली ऐसी पोस्ट की, जिन शब्दों का हम आपके सामने जिक्र नहीं कर सकते। सचिन तनेजा ने बिजली गुल होने पर अपनी गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी पोस्ट में कमलनाथ के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई गाली लिखकर इस पोस्ट को डाला है। कांग्रेस की शिकायत के बाद पुलिस ने इस शख्स को आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया है। फेसबुक पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम सचिन तनेजा है, उसके द्वारा अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी की गई थी और ये टिप्पणी केवल कमलनाथ जी के लेकर की गई थी, उनके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे उनके संबंध में भी उन्होंने असभ्य शब्दों का, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था, जिसकी शिकायत हमारे साथी जतिन चौकसे दीपक दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को यहां थाने में की गई है और उसकी कार्यवाही को लेकर राजेश्वर सेन भी इसमें हमारे साथी हैं, इन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको बड़े गंभीरता से लिया और मुझे निर्देश दिए। मैंने स्वयं एसपी से इस संबंध में बात की है और इसमें दोषी के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्यवाही का अनुरोध किया था, उसकी जानकारी लेने थाने आए थे और कार्यवाही। बहरहाल सचिन तनेजा की यह पोस्ट भद्दी और अभद्र थी, इस वजह से वो कानूनी शिकंजे में फंस गया, लेकिन सोशल मीडिया में आए दिन बिजली गुल होने के साथ साथ बिजली महकमे के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही का ठीकरा आम जनता कमलनाथ के सर फोड़ रही है। इससे शायद कमलनाथ और कांग्रेस दोनों को सबक लेना चाहिए। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मकरोनिया। एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।